डॉक्टर साहब भी कर ऐसा क्या अस्सलामुअलैकुम। मैं आज बेंगलोर में हज हाउस को विज़िट किया हूँ। सबसे पहले मैं हमारे चेयरमैन राव भाई से मिला हूँ, उनके ऑफिस में बैठ के 5-10 मिनट डिस्कस हुई। फिर उसके बाद सभी बिदर के हाजी भाइयों से रूम रूम विज़िट किया हूँ, सबसे मिला हूँ। साथ मेरे फैमिली भी आके हैं, मेरे मिसेज भी, मेरे बच्चे भी आके हैं। सभी हाजी भाई, सभी लोग खुश है। हज का सफ़र है, एक दिन थोड़ा सा फर्स्ट डे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ बोल के पता चला था, मैं इसलिए पर्सनली विज़िट करने आया हूँ। यहाँ पे क्या है, ज़रा गवर्नमेंट के नए नए रूल्स निकालने की वजह से ये कोविड क्या है, कोविड का टेस्ट बोल के निकाल के जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती, जब तक किसी हाजी को अंदर नहीं जाना बोल के कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट के थे, उसके वजह से और दूसरे एक दो रीज़न के वजह से थोड़ा सा रात में लेट मिले रूम्स, रात में 12-1 बजे लेट रूम्स मिले हैं। तो आगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बाकी का इंतज़ाम तो माशाल्लाह ठीक है। और मेन रीज़न यहाँ पे क्या हुआ अभी हम फाइंड आउट किए, यहाँ पे कैपेसिटी है 700-800 लोग रहने की, मगर एकदम 2-3 हज़ार लोग आ गए यहाँ पे। फिर उनके साथ वो 2-3 हज़ार लोगों के साथ फिर उनको छोड़ने उनके साथ यहाँ लोग भी, वो 2-3 हज़ार उसकी वजह से रश होने की वजह से यहाँ पे कंट्रोल करना नहीं हुआ। असल मेन प्रॉब्लम ये था, तो इसके लिए आइंदा आगे साल से एक मालूमात भी हो गए, एक्सपीरियंस भी हो गया। और रोब भाई, उनकी पूरी कमेटी, यहाँ पे जितने भी लोग है जिम्मेदार वॉलंटियर्स, सभी लोग एक ही मकसद था उनका कि हम हाजियों को खिदमत करें बोल के। मगर मेन रीज़न क्या है, यहाँ पे जो कैपेसिटी कम है मगर लोग ज़्यादा आ गए, उसकी वजह से कुछ समस्या हो गया। फिर रात कल से तो दो रात में जब अलॉटमेंट हो गया, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह 2-3 दिन अभी टाइम है, उस टाइम तक भी कुछ नहीं होगा। मैं सभी जिम्मेदार लोगों से बात किया हूँ और रोब भाई को भी रिक्वेस्ट किया हूँ कि पर्सनल आप बिदर वालों को टेक केयर करना बोल के। उन्होंने भी वादा किए हैं कि मैं 100%, मेरे साथ भी आए थे विज़िट करने पूरे रूमों में उन्होंने भी विज़िट किए हैं। तो अभी जस्ट एयरपोर्ट गए, वो वहाँ पे कुछ उनका काम था। तो ऐसा बिदर वालों को ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी लोग दुआ करिए, लोग क्या भी बोलते हैं, हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं बड़े बड़े वलियों को। नेक्स्ट ईयर ये कोशिश करें, हाजियों की ख्वाहिश है कि हैदराबाद से फ़्लाइट्स का इंतज़ाम करें तो बहुत बेहतर होगा हाजियों के लिए। नहीं नहीं, इसके लिए 100% एडवांस में हम ये कोशिश रहेंगे, क्योंकि हमको हैदराबाद ही बिल्कुल खरीब, हैदराबाद और बिदर। मैं पहले भी आप इससे पहले टीवी मीडिया में बोल के हूँ, गुलबर्गा में जब मुझे हज कैंप पे ट्रेनिंग के टाइम बुलाए थे वहाँ पे बोला हूँ, गुलबर्गा और बिदर के लोगों को हैदराबाद ऐसा है कि हम अपने घर में रह के वहाँ पे जाने के, इसलिए अगले साल हम एडवांस में इसके लिए दिल्ली जाएंगे, वहाँ के मिनिस्टर्स को मिलेंगे। 2 मिनिस्टर्स लगते हैं इसको, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर भी लगते हैं और एक एक्सटर्नल अफेयर्स, दोनों मिनिस्टर को मिल के और MP साहब को भी ले लेंगे इसमें। जो जो लोग हैदराबाद के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए इसमें ज़रूरत पड़ती है, हम सभी लोगों को इन्वॉल्व करके, सभी MLAs होंगे, MPs होंगे, दूसरे लीडरों को लेके चेंज कराने की पूरी कोशिश करके इंशाल्लाह कराएंगे।